गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रीना नेगी ब्लॉग। और मैं अभी उठ रही हूँ, जस्ट अभी टाइम हो रहा है 8:08 हो रहे हैं। और क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, यहाँ देखो कैसे मतलब गीला गीला हो रखा है, सुबह सुबह बारिश हो रही थी और इतनी मतलब वो देखो उधर पहाड़ी पे बर्फ़ पड़ गई, तो हमें तो डर था कि यहाँ भी बर्फ़ पड़ेगी। तो मैं थोड़ा भगवान से भी दुआ कर रही थी कि बारिश ना हो, बारिश रुक जाए, क्योंकि अभी शादी का माहौल है, आज लेडी संगीत है, कल पकोड़े बने थे, मैं वीडियो शेयर करूँगी। अभी सब लोग उठ गए हैं और मैं छत पे आ गई हूँ। ये बच्चा है आयुष, आयुष मेरी मौसी है, हेलो कर दो मौसी। हाय। ये भी देहरादून में रहते हैं, कल ही आए हैं शाम के टाइम। मेरे ससुर कुछ पापा को एडवाइस कर रहे हैं क्योंकि पापा को इतना पता नहीं है गांव का, तो कर देंगे। आवाज़ सुन के सब डर गए होंगे, अब तो पक्का कर देंगे। भौजी की आवाज़ है भाई, भौजी की आवाज़ घूमती है, गरजती है, शेर की। ये मेरी भाभी है, अभी बिस्तरे फोल्ड कर रहे हैं, क्यूट से दांत। कोई बात नहीं, सुबह सुबह का व्यू दिखा लो। ये मेरा मेरा प्यारा प्यारा भाई है ये। हेलो गाइस, मैं अच्छे से तैयार नहीं हो पाई, मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी है और मंगल स्नान मतलब जो ओखली में जाते हैं वहाँ पे जो कूदते हैं नाच वगैरह, तो वो सब हो चुका है। मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ, तो अब मैं ज्वेलरी पहनी हूँ, कुछ लोग बाहर खा रहे हैं। हेलो गाइस, आज मेरे भाई की शादी है और मैं तैयार हो चुकी हूँ, ने अपने भाई पे मेहंदी लगा दी है। और अभी मैंने कहा जी चल भाई थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं। अभी मैंने अभी तैयार श्यार हुई हूँ, लहंगा डाला है, फिर मैंने मेहंदी लगाई है और मेहंदी लगा के जस्ट अभी मैं बाहर आ रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। तो अभी मैं जाऊँगी फिर खाना खाने, और खाना खाने के बाद हम डांस करेंगे और थोड़ा सा मैं डांस की भी वीडियो बनाऊँगी जैसे मुझे टाइम लगेगा। मेरी भाभी है और दूसरी भाभी आने वाली है, बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये भी जब आए थे मेरे लिए बहुत बहुत बुलाओ कर, मैं भाभी भी देहरादून से है। ये मेरे भैया है, राम कौन है? ताऊ जी। मेरे ताऊ जी है, फोटो देंगे उसमें वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं, ठीक है। I'm not afraid to die.
हेलो गाइस, देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और कैसी लग रही है मेरी ज्वेलरी और मेरी झुमके। अभी तो देखो बारात जाने का कोई ये जी पहाड़ों का नजारा।